नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यू पे सलाड एजुटेक में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों यूडाइस प्लस जो है छात्रों का डाटा अपडेट करना है और डाटा प्रोफाइल भरना है, उससे संबंधित हमारा ये वीडियो है। उम्मीद करते हैं थोड़ी सी राहत देगा ये वीडियो। हमें उम्मीद कर रही है पूरी तरीके से कि छात्र प्रोफाइल में भरे जाने वाली आवश्यक सूचनाएँ और सभी परेशानियों का हल देने की कोशिश की है और हो सकता है मैं सफल भी आऊँ। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। बात कर लेते हैं तो स्टूडेंट वाइज डाटा जो है भरना है, इसकी कुछ ज़रूरी चीज़ें जो है आपको बता दे रहे हैं, बाकी जरूरी चीज़ें नहीं बताएंगे। यूडाइस पोर्टल पर लॉगिन सेक्शन के अंतर्गत स्टूडेंट प्रोफाइल के सम्मुख उत्तर प्रदेश का चयन करते हुए गो पर क्लिक करेंगे, उपरांत स्टूडेंट लॉगिन पेज खुल जाएगा। ब्लॉक स्तर पर डाटा एंट्री यूज़र द्वारा तथा स्कूल स्तर पर स्कूल यूज़र द्वारा लॉगिन किया जाएगा। जिन बच्चों को DBT की धनराशि प्राप्त हो गई है उन सभी बच्चों का विवरण पहले से ही अपलोड है। तो मुझे लग रहा है इससे बड़ी कोई खुशखबरी नहीं होगी कि पहले से ही चीज़ें अपलोड हैं, ठीक है। यानी कि ज़्यादातर जगह जो है बच्चों का पैसा आया हुआ, ज़्यादातर बच्चों का पैसा आ चुका है, कुछ का बच्चा होगा, हर जगह 10-15 इससे ज़्यादा नहीं हो गए। सर्वप्रथम ऐसे बच्चे जो पोर्टल अपलोड कर दिए गए हैं उनका अवशेष विवरण भरकर शीघ्र अपडेट करना है, ठीक। तदुपरांत जो बच्चे पोर्टल प्रदर्शित नहीं हो रहे हैं अर्थात जिनकी DBT धनराशि प्राप्त नहीं हुई है उनको ऐड किया जाएगा और उनका समस्त विवरण विद्यालय के अभिलेख के अनुसार 30 सितंबर 2022 के हिसाब से फीड करना है, ठीक है। इस कार्य को ससमय पूर्ण करने हेतु तो शिक्षक संकुलों के माध्यम से प्रधानाध्यापक को निर्देशित किया जाए कि उनकी समीक्षा की जाए। प्रत्येक शिक्षक संकुल उनको आवंटित किए गए विद्यालयों को कार्य पूर्ण कराएंगे। वेरी गुड। प्रत्येक स्कूल स्टूडेंट डाटा को 3 भागों में विभाजित किया गया है, जनरल प्रोफाइल, इनरोलमेंट प्रोफाइल और स्टूडेंट फैसिलिटी। स्टूडेंट विवरण का यूट्यूब लिंक इस पत्र के साथ संलग्न है जिसे डाटा भरने में सहयोग लिया जा सकता है, ठीक है। इसके बारे में भी वीडियो बना लेंगे। ओके, आगे चलते हैं हम लोग। डाटा एंट्री ब्लॉक स्तर पर स्कूल स्तर से की जा सकती है परंतु वरीयता स्कूल स्तर पर की जाएगी। प्राइवेट मदरसा आदि बच्चों को पोर्टल पर ऐड किया जाएगा जिससे कि समस्त विवरण पोर्टल पर भरा जाएगा। बच्चों को ऐड करने के पूर्व पोर्टल का क्लास सेक्शन क्रिएट करना होगा, ठीक है। पूर्व से प्रदर्शित हो रहे बच्चों को डैशबोर्ड व्यू इमेज पर क्लिक किया जिससे बच्चों को समस्त विवरण फॉर्म खुल जाएगा और चरणबद्ध तरीके से सूचनाओं को भरकर अपडेट किया जाएगा। अतः कक्षा 1 से 12 तक का समस्त विद्यालय के प्रधानाचार्य प्रबंधकों को शिक्षक संकुलों व अन्य स्टाफ को योजनाबद्ध तरीके से शीर्ष प्राथमिकता में इस कार्य को पूर्ण करने हेतु निर्देशित कर दिया जाए ताकि शीघ्रता से निश्चित समय अवधि में इस कार्य को पूर्ण किया जा सके। उपयुक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जा सके, वहां के BSA ने कहा। तो इस लेटर से हमको DBT आ चुका है पैसा, उनका डाटा अपलोड है। कुछ चीज़ें जो बच्ची उसको भर देना है, बाकी जिनका पैसा नहीं आया उनका अपलोड नहीं होगा, कुछ भी उसको भरना है। यानी कि कुछ हद तक आपका काम पूरा हो चुका है, थोड़ा % करना है। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं। नमस्कार।